इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बच्चों की शिशु लीला की अनुभूति करिए। शिशु भाव में अनुभूति उसी को होती है जो अपने को वहां तक उतार पाता है, नहीं तो नहीं होता। चढ़ना कठिन नहीं है, उतरना कठिन है। दुर्घटना सदैव उतरते समय होती है, क्योंकि चढ़ते समय आदमी सावधान रहता है। चढ़ना कठिन नहीं है, पकड़ के चढ़ते हैं, संभल के चढ़ते हैं, बैठ बैठ चढ़ते हैं, उतरते समय लोग गिर पड़ते हैं। अवतरण कठिन है, प्रत्यक्षीकरण और कठिन है। मां ने कहा की जय शिशु लीला, सुन बचन सुजाना, ठाड़ा हुई बालक सुरभ। भगवान रोने लगे, कल हम आप गाए मनाए सुने समझे। आनंद उत्सव चली रहा था ठीक इसी के केंद्र में। गृह गृह बाज बधा शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहां नगर नाई। घर घर बधाई बज रही है, क्यों? प्रजा की भी इतनी ही प्रियता है महाराज में जितनी महाराज की प्रजा में प्रियता है, इसलिए घर घर आनंद हो रहा है। घर घर आनंद छायो अयोध्या। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज का एक पद है, अद्भुत है। इसी में बाबा ने कहा, कह कह सुता सुमित्रा सुंदर सुत जन्म भय ओ वह सुख संपत्ति समय समाज कही न सकई सारद अयोध्या जी की वह उस क्षण की छटा, वह समाज, वह सुख, वह आनंद, वह संपदा कही न सकई सारद। अवधपुरे कि प्रभु हे मिलन भगवान का प्रकटीकरण दिन में हुआ है, तो रात्रि भगवान से मिलने क्यों आएगी? धूम की मचकता, घर घर यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ के धूम की मेचकता धरा गगन के मध्य में छा गई है, इसलिए मानो भास रही है कि रात्रि भगवान से मिलने आ गई। रात्रि तो आएगी नहीं, क्योंकि वो तो एक माह का दिन ही हो गया। सूर्य भगवान दर्शनार्थ आए थे, देख ही नहीं पाए, एक माह खड़े रहे।
ऐसा अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है, मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई है। क्यों भाई? उसको भी अपनी शिकायत है। महापुरुषों ने चिंतन किया है, रात्रि प्रार्थना पत्र लेकर आ गई। प्रभु ये तो कोई बात नहीं, दिवस का ऐसा महत्व बढ़ा दिया आपने। भगवान किसी को दुखी नहीं करते, भगवान का स्वभाव नहीं है, भगवान कभी किसी को दुखी नहीं करते। महाराज दुखी तो होते हैं, नहीं नहीं, मनुष्य अपने क्रमाण कर्मों के द्वारा सुखी दुखी होता है। भगवान के पास दुख का कोई सामान्य नहीं है, वो तो सुख ही सुख है। ऐसा सुख स्वरूप रघुवंश मनी करुणा सिंधु खरा खरा। भगवान किसी के प्रति कलमश नहीं रखते। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।